हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी हावड़ा स्टेशन में ही हूँ और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, पब्लिक का भीड़ यहाँ पे, और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है बंगाली में, लेकिन मुझे बंगाली पढ़ने नहीं आता है। मैं बंगाली होकर भी मुझे पढ़ने नहीं आता है, मतलब यार बचपन से मैं सीखा नहीं था, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। और इधर देख सकते हो आप सामान मेरा, और अभी मैं वॉशरूम में हूँ क्योंकि इधर बहुत गर्मी है ना, इसलिए सोचा कि थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ। और उसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग पहुँच जाए जितना हो सके जल्दी। सो गाइस, फाइनली जर्नी करने के बाद दीघा हम लोग पहुँच गए, और ये देख सकते हो आप पब्लिक का भीड़ यहाँ पे भी, और ठंडा में हालत ख़राब। यहाँ का वेदर कुछ अलग दिख रहा था हमको, क्योंकि रात को पहुँचे थे। और ये देखिए सामान, भारी भारी सामान सब। फाइनली गाइस, हम लोग को होटल मिल चुका है क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन बुक कर दिए हैं पहले से ही। और ये देखिए यहाँ पे टैक्सी खड़ा हुआ है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं घूमने। और ये देखिए होटल का नाम है सी एंड हॉर्स। ओके गाइस, और अभी हम लोग जाने वाले हैं होटल के अंदर, तो आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए व्लॉग पे, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये व्लॉग। ये देखिए गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ है बाहर में, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है। ये देखिए ये बैनर, और आगे भी दिखाते हैं हम अंदर जाके। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है होटल अंदर का लुक। ये देखिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, और ये देखिए भीतर से नज़ारा बाहर का। हर जगह यहाँ पे होटल ही होटल देखने को मिलेगा। और अभी हम दिखाने वाले हैं होटल का रूम कैसा है, ठीक है? गाइस, अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं अपना रूम के अंदर, तो देखिए 305 ये हम अंदर जाने वाले हैं। और ये देखिए दरवाज़ा बंद करते हैं पहले, और देखिए गाइस ये है रूम होटल का, यहाँ से खिड़की का नज़ारा देखते हुए। ये देखिए हर जगह बिल्डिंग बन रहा है, नया नया होटल बनेगा आगे जाके। ये देखिए टीवी भी है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बैल्कोनी भी है जो दिखाते हैं अभी हम खोल के। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ठंडा ठंडा हवा दे रहा था, वेदर थोड़ा सा ठंडा था आज। और देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ये बेडरूम। ये देखिए दरवाज़ा बंद कर दिए, ये देख सकते हो आप मेरे पापा खड़े हैं, मम्मी। और दिखाते हैं आपको वॉशरूम कैसा है। ये देखिए एक सेकेंड, ये आप लोग देखिए, मेरे को तो ठीक ही ठाक लगा है। ये देखिए आप लोग भी आ सकते हो होटल में बुक करके, इसमें आपको गर्म पानी भी मिलेगा।
ठंडा के साथ साथ गर्म पानी। तो अभी इसको हम बंद करते हैं और उसके बाद गाइस हम लोग निकले हैं फाइनली सी बीच की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। और देखिए आप लोग बने रहिए, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा और आज डे वन है। जगह का नाम आपको हम बता देंगे वीडियो में, तो बने रहिए व्लॉग पे, ठीक है। और जितना हो सके इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त लोग के साथ और कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके गाइस। ऐसे ही आपको व्लॉग्स वीडियोस देखने को मिलेगा, बहुत ही मस्त मस्त। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो, ब्यूटीफुल नज़ारा है सी बीच का। और यहाँ ये जो लुक है ना भाई साहब, इसी का तो हम वेट कर रहे हैं ना, इस ब्यूटीफुल से नज़ारा का। और अभी हम कार से ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जल्दी हम जाने वाले हैं सामने, तो बने रहिए व्लॉग पे। ये देखिए गाइस लाजवाब, फाइनली हम लोग कार से उतर गए और अभी हम जा रहे हैं सी बीच की ओर। तो बने रहिए आप लोग व्लॉग पे। ये देखिए मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। इतना चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सी बीच में। और ये देखिए नज़ारा, ये हम कुछ दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखिए नारियल पानी, ओ भाई साहब क्या लुक है यार, अमेजिंग अमेजिंग व्यू है यार। बहुत दिन से हम लोग को जाने का मन करा था सी बीच में, तो फाइनली आज पहुंच गए। ये देखिए वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ब्यूटीफुल। ना कोई भीड़ है,
खाली जगह पे घूमने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है गाइस। इसको आप लोग फील करो, इस वाइब को। ये देखिए, पापा बोल रहे कि चलो थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जूता को रखने वाले खोल के, इसलिए मम्मी बोल रही कि इधर ही रखो। ये देखिए नज़ारा गाइस, ऑसम, नो वर्ड्स गाइस। आप लोग भी एक बार घूम के आ जाओ, बहुत ही मस्त लगेगा घूमने में। और इधर देखिए, इधर ही हम लोग अभी जूता खोल दे रहे हैं, क्योंकि चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। I'm in India, baby, come ride with me. You know I ride with you, there's special sides of me. Sitting in a bar with a Bollywood star, smoking a cigar. She listen to my songs and she loving the guitar. Looking up to no alarm, if I'm delicious and loving my charm. इधर पापा बोल रहे थे कि चलो थोड़ा सा हॉर्स के साथ फोटो शूट कर लेते हैं, तो चलिए आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उधर मैं पोस्ट कर दिया हूँ फोटो सब, तो आप लोग फॉलो कर लेना मेरे सोशल मीडिया पर। और ये देखिए मम्मी जो है अभी फ़ोटो शूट कर रही है। गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं दूसरा जगह, मतलब ये भी एक सी बीच ही है। अब इस सी बीच का नाम है ताजपुर, ठीक है, वेलकम टू ताजपुर। तो गाइस इसमें भी आपको बहुत ही मस्त मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा, आगे चल के हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग व्लॉग पे, और भी बहुत सारा लंबा सफ़र करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा इस वीडियो में, तो बने रहिए आप लोग, देखिए तब तक आप लोग नज़ारा, इस मस्त ताजपुर का नज़ारा। ये देखिए बीच, हर जगह बालू ही बालू है, यहाँ पे क्रैब भी हमको देखने को मिला है। ये देखिए दिखाते हैं आपको, वहाँ पे लेके जाएंगे।
गाइस ये देखिए, मरा हुआ कछुआ। ओ माय गॉड, एकदम मेरे आंखों के सामने इतना बड़ा भाई साहब मैं पहली बार देखा हूँ। अक्सर तो मैं टीवी में देखता था, आज मैं रियल लाइफ में देख लिया। अब मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास, क्योंकि मम्मी पापा तो बिजी हैं फ़ोटोशूट कराने में। और देखिए अभी पापा भी हमको बुलाने लगे कि आओ तुम भी आओ फ़ोटोशूट करो। ठीक है, हम भी करवा ही लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इधर नारियल पानी पीने लगे। ये देखिए पापा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखा था इसे इधर। ये हमारा डे टू है व्लॉग का, और उसके बाद हम आपको लेकर के लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।